हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हाँ साथियों आप लोगों को सेवा में संगीत का नाम सुनाया जा रहा है। आज को मनोरंजन लेना है, कैसी बहिया देखना है तो आप गाना और संगीत का आनंद मार कार धार सारी बंदूकें गोली देखिए कितने भाव के साथ होता है। अगर आपको देखना है तो गंगा कैसेट देखिए, गंगा चैनल पर आप देखिए, आपको सबको बड़े प्रेम से दिखाई देगा। हमारे मास्टर दयाराम का संगीत का नाम अपना और पराया उर्फ डाकू तेजा सिंह, बोलियो शंकर भगवान की जय। गंगा कैसेट देखिए आप लोग। आदरणीय आए हुए उपस्थित सज्जन तथा माता और बहन, मैं सभी भाइयों से खामोशी अख्तियारी चाहूंगा, शांति का सहयोग चाहूंगा। मैं अपना परिचय, अपना नाम, ग्राम बताना चाहता हूं। आप सबके समक्ष मेरा नाम मोहन है। मैं जिला उन्नाव ग्राम रामगंज का रहने वाला हूं। घर में मेरी पत्नी राधा और एक छोटा भाई सोहन है। सोहन मेरा छोटा भाई इस समय शहर कानपुर में पढ़ रहा है। मेरी पत्नी राधा और मैं अपने भाई सोहन को पढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, काफी पैसा खर्च कर रहा हूँ उसे पढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि अपना सब खेती बाड़ी दांव पर लगा दिया हूँ, यानी बेचने की नौबत आ गई। मन में अभिलाषा है कि मेरा भाई सोहन पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर के हैसियत से रहे तो अच्छी बात है। मुश्किल बा का मोरी हो, मुश्किल बा का मोर जुदाई में जीना, हम मदीना जा बैना, हम मदीना जा बैना, चूमबराओ जे का जीना, हम मदीना जा बैना, चूमबराओ जे का। मुश्किल बा जीना हो, मदीना जा बैना, चूमबरा वो जे का जीना, हम मदीना जा बैना। आप के रहो जे पर कैसे मैं आऊं, मेरा सर चौखट पे कैसे बिछाऊं, रहो जे पर कैसे मैं आऊं, मेरा सर चौखट पे कैसे बिछाऊं। पूजा जाल हर साल हो, हर साल हज का महीना, हम मदीना जा बैना, चूमबराओ जे का दीना, हम मदीना जा बैना। मुश्किल कुसा कह दिया, मुश्किल कुसाई, हाँ महान गरीब वन के सुन लिया दोहाई, सीख भाई करी ना घूम भो,
देख भाई करी ना घूम फाल तू कही ना मदीना जा बैना चुम ब्राओ जे कजी ना हम मदीना जा बैना तार से नजर बन के मजबूर काब तक चौखर से आका हम रही दूर कब तक इत्र से गम 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 के हो इत्र से गम 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 के आपका पसीना हम मदीना जा बैना चुम ब्राओ जे कजीना हम मदीना जा बैना ख्वाजा का नाम रटते दाम निकल जाए कामरू के मानवाई हाय खूब भाए आनवर के चाही नाही हो आनवर के चाही नाही दौलत का खजीना हम मदीना जा बैना चुम ब्राओ जे कजीना हम मदीना जा बैना अब मैं चलता हूँ यहीं पर बैठता हूँ मेरी पत्नी राधा आएगी तो उससे कुछ बातें होंगी प्राणनाथ आज मैं क्या देख रही हूँ कि आप अफसोस करके बैठे हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती हो क्या है सदमा समाया जिगर दरमिया बैठे अफसोस जो इस कदर हो पिया दिल में जो बात हो उसको जाहिर करो अपने दिल की बातें बता दीजिए ऐसी क्या बात थी ऐसी क्या मुसीबत थी किस बात को लेकर आप अफसोस करके यहां बैठे हैं जो ही बात हो आपके दिल में आप मुझसे बतलाइए ना बात कुछ भी नहीं राधा प्यारी सुनो बेवजह मेरे खातिर परेशान हो थोड़ा गम था मुझे देवर खातिर तेरे जाएगा कल सहर तुम भी बेजान हो प्रिय राधा इसमें कुछ भी बात नहीं है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जो मेरे लिए तुम इतना परेशान हो रही हो मुझे थोड़ा सा गम है पैसे के लिए इसलिए कि तुम्हारा देवर सोहन कल शहर कानपुर जाएगा तो पैसे की सवाल करेगा अब मेरे पास पैसा नहीं है बस यही थोड़ा अफसोस है इसी अफसोस में मैं परेशान हूँ अरे प्राणनाथ आप चिंता मत कीजिए आप बैठकर आराम कीजिए भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे बैठिए आराम से
जी। खुश रहो मेरे भाई, खुश रहो। खुश रहो दीवार। लेकिन भैया, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? अरे शहर कानपुर जा रहा, कल भैया मैं भोर, और पुलिस की भर्ती हो रही, शोर मचा चहूं। चाहूं ओरे पुलिस गरी भैया बन जाऊंगा, और पड़ा जो अपना खेत है गिरवी उसे छुड़ा लाऊंगा। करूंगा आपका सपना तभी चैन पाऊंगा, और बिना सफलता के घर भैया वापस ना आऊंगा। अरे इरादा अटले हमारा जी, इरादा अटल हमारा जी, उले अब भाग्य हमारा जी। चरणों में शीश झुकाऊं और हाथ पे फेर दो सर पर मेरे इंस्पेक्टर बन करे आऊं। बड़े भैया, कल मैं शहर कानपुर जाने वाला हूं, इसलिए कि बहुत जोरों से पुलिस की भर्ती हो रही है। भैया, मेरी तो यही एक इच्छा है कि अगर मैं पास हो गया तो आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। भैया, मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करे। तुम जैसे भ्रात पर बड़ा है मुझको नाद, किंतु छिपा तुमसे नहीं घर का कोई लाज। घर का कोई राज बिक चुकी सारी जमीन हमारी, और तुम्हें पढ़ाता जमींदार से लेकर कर्जे उधारी। मेरे भाई, मैं तुम्हें जमींदार से कर्जा लेकर पढ़ा रहा हूँ, और मेरी सारी जमीन बिक चुकी है। तुम्हें पढ़ाने के लिए हम दोनों प्राणी बिल्कुल परेशान हैं। पढ़ लिख कर तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ, यही अच्छी बात है।
मेरी बात सुनो भैया। हर व्यर्थ होगा परिश्रम तुम्हारा नहीं, आपकी आशा पूरी हो भैया सभी। कल जाना है हमको शहर कानपुरी, रुपया चाहता हूँ मैं भैया अभी। भैया आपकी आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी मेरे भाई, आपका परिश्रम कभी पूरा होगा भैया। मुझे कल पैसा चाहिए और मुझे सुबह ही जाना है मेरे भाई। रुपया दूं लाकर तुमको कहां से बिरने, घर में है फूटी कौड़ी हमारे नहीं। बिक चुका जेवर तक भाभी का सब तेरे बिक का, बेचने को रहा कुछ हमारे नहीं। बिक चुका जेवर, मेरे भाई सोहन अब मेरे पास रुपया कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें रुपया कहां से ला के दूं? तेरी भाभी का जेवर सब बिक चुका है, अब मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसी सवाल करके मुझे अफसोस में डाल दिया मेरे भाई। आप ऐसी बातें कहकर मेरे देवर का मनोकामना मनोबल क्यों कम करते हैं? मेरी बात सुनो प्राणनाथ, करिए निराशी नहीं। गिरवी माँ का ने अपना स्वामी रख दीजिए, नौकरी अपना देवर जब पा जाएगा, नौकरी अपना देवर जब पा जाएगा उसी पैसे समा का छुड़ा लीजिए, नौकरी अपना देवर आ जाएगा। प्राणनाथ इस तरह से अगर बातें कहोगे तो मेरे देवर का दिल दुखी हो जाएगा, इसलिए मेरे एक लौता देवर है, मेरे बेटे का समान है, हमारा आपका कर्तव्य है हर तरह से उसकी देखभाल करना चाहिए। ठीक कहती हो प्रिय, लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मकान गिरवी रखने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसके आगे कोई चारा भी नहीं है, मजबूर हूँ, ऐसा काम मुझे करना ही पड़ेगा। तुम सोहन के लिए खाने का इंतजाम कर दो और मैं इस वक्त जमींदार ज्वाला सिंह के पास जा रहा हूँ, अपना मकान गिरवी रख के चलाऊंगा। ठीक है प्राणनाथ, आप जाइए जमींदार से पैसा लेकर बहुत जल्दी जाइए, तब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। देवर जी मेरे रहते हुए ही, अरे तुम काहे चिंता करते हो, जब तक हम दोनों प्राणी जिंदा रहेंगे हर तरह से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करने की कोशिश करूंगी। अच्छी बात है भाभी। देवर अरे मेरे दिल में कब से अभिलाषा है, कब से लालसा है कि मेरा देवर
एक दिन पुलिस बन जाएगा तो हम दोनों प्राणी का इस गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन देवर, तुमसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे भैया के सामने तो मैं हर समय मुस्कुराती रहती हूँ ताकि मुझे देखकर उनका बल न कम हो जाए। हर मुसीबत झेलकर तुम्हारे भैया और हम तुम्हें पढ़ाए हूँ भैया। हम दोनों प्राणी का अरमान कभी मत मिटने देना। तुम चिंता मत करो, चलो हम तुम्हें खाना पीना खिलाकर तैयार करती हूँ। आओ। ये भाभी, बगिया में कुह के ला काली कोयलिया, अरे बनवा में नाचे लमोरी हो, अब चल गुआ की हो, में कुह के ना काली कोयलिया, बनवा में नाचे लमोरी हो, आव चल गुआ की हो, आव चल गुआ की हो, जवाब है ऐसे भैया। मनई दुलार कई के मनई से बोले, नेह की नगरिया जा संग संग डोले, मनई दुलार कई के मनई से बोले, नेह की नगरिया जा संग संग डोले, मनई दुलार कई के मनई से बोले, नेह की नगरिया जहाँ संग संग डोले, प्रीतिया के डोरी हो, अब चल गुआ की हो, अब चल गुआ, धरती के अचरा से उपजावे सोनेवा, टूटही मलैया सब बन गई महलिया,
रही मड़ैया सब बन गई महालिया, कैले बिजुलिया अजोरी हो, अब चढ़ गऊँ हो। अब नहीं गौआ में मांगे के भिक्षा, सरकारी शिक्षा अब नहीं गौआ में मांगे के भिक्षा। घर घर होई गईली सहकारी शिक्षा, अब नहीं गौआ में मांगे के भिक्षा। जख्मी लल्लन चित चोरी हो, आओ चल गऊँ भैया। अब मैं चलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं भैया, सिर्फ मालिक ने चाहा तो भैया आपकी नौकरी सलामत हो जाएगी, आपकी भाग जग जाएगी भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, नमस्ते भैया।